वेक्टर से शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज है जो हम स्टडी करते हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और उसका कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होता, जैसे कि मास हो गया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, ठीक है, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं आपकी, ठीक है, जिनका सिर्फ मेजरमेंट होता है कि भाई इतने लीटर पानी है, इतना ये चीजें है ना, तो जैसे क्वांटिटी यू कैन क्वांटाइज दैट, ठीक है। दूसरा जो क्वांटिटी होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब वेक्टर क्वांटिटी ऐसी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसका डायरेक्शन भी होता है, प्लस देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से काम नहीं चलेगा। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड तो होता ही है, डायरेक्शन होता ही है, प्लस वो वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो करता है, ठीक है ना, जो वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है उसको वो फॉलो करता है, उसी को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है वेलोसिटी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब क्वांटिटीज जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करती है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हो गया, ट्राइंगल ऑफ एडिशन हो गया, ठीक है, तो ये सारे लॉज फॉलो नहीं करते हैं, उन क्वांटिटीज को टेंसर क्वांटिटीज कहा जाता है, ठीक है। जैसे स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, ठीक है। अब एक्चुअली अगर थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करें सब्जेक्ट को बहुत डीप में जाके, तो वेक्टर भी कुछ नहीं होता, स्केलर भी कुछ नहीं होता, सारी चीजें टेंसर ही होती है, ऑल द क्वांटिटीज आर टेंसर क्वांटिटीज, जब अगर हम हायर डिमेंशन में जाके सोचते हैं। अब उन डिमेंशन को अगर आपने कम कर दिया, जैसे अगर आप थ्री डिमेंशन की बात करते हो, तो थ्री डिमेंशन में जिस क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो टेंसर का एक स्पेशल केस होता है वेक्टर। फिर उसी तरीके से उसको अगर हम और डिमेंशन लेस कर दें, एक डिमेंशन में अगर हम बात करें, तो फिर आ जाती है स्केलर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? तो दुनिया में सब कुछ टेंसर ही है, बस डाइमेंशंस में जब हम उसको स्टडी करते हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। ओके, तो ये बेसिक नॉलेज था आपके लिए। ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन। लिखना था, नहीं लिखना है, नेक्स्ट। नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। भाई वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और उनके मैग्नीट्यूड्स को हम बोलते हैं मॉड ए, बी और सी, ठीक है ना, ये मॉड्यूलस में लिखा हुआ है, ये वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है। तो वेक्टर्स डिनोट कैसे होते हैं, ए बी सी तरीके से, और उनके मैग्नीट्यूड्स होते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ओके, अब वेक्टर जब एक हम ड्रॉ करते हैं, तो वेक्टर होता है जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ओपी वेक्टर दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ओपी वेक्टर है, तो ओ इसका हेड पॉइंट है जिसको इनिशियल पॉइंट कहा जाता है, और पी जो है वेक्टर वो इसका टर्मिनल पॉइंट है, मतलब टेल ऑफ द वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। वेक्टर्स को हम लाइन सेगमेंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और एरो इंडिकेट करता है इसका डायरेक्शन, तो ए बी वेक्टर का मतलब है फ्रॉम ए टू बी। जब भी आप ए बी वेक्टर लिखते हो तो ये लिखा जाता है फ्रॉम ए टू बी। वैसे ही अगर बी सी वेक्टर लिखा तो फ्रॉम बी टू सी, ठीक है, फ्रॉम बी टू सी, बी से सी की तरफ, और इसी की लेंथ जो है, ये जो लेंथ है मान लो 5 यूनिट का लेंथ है, तो इसको हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, मॉड ऑफ ए बी से डिटरमाइन करेंगे। ये बेसिक बेसिक आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, इसीलिए इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट काइंड्स ऑफ वेक्टर, तो कितने तरीके के वेक्टर्स होते हैं, जो बेसिक हमें पढ़ना है, जीरो और नल वेक्टर, ठीक है ना, ये वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, ठीक है, और इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम पॉइंट है, ये कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की, अ वेक्टर विद यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड एक यूनिट का है, उसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। अब इसका जरूरत क्या होता है, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल एक्चुअली डायरेक्शन बताने के लिए होता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो एक यूनिट है। सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए कैप। एक यूनिट वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन में ए कैप से डिनोट करते हैं आप, और वो निकालते कैसे हैं, वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे तो मैग्नीट्यूड लेस हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड तो उसका 1 हो जाएगा, है ना, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब बचेगा क्या उसके पास, बताने के लिए डायरेक्शन बचेगा, ठीक है ना, उसके पास क्या बचेगा, डायरेक्शन बचेगा बताने के लिए। तो ए कैप का मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो 1 होता है। ओके, अब ये भी चीज बहुत ट्रिवियल है, यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को हमने नाम दिया हुआ है आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप डिनोट करता है एक यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस में, जे कैप डिनोट करता है एक यूनिट का वेक्टर वाई एक्सिस में, के कैप डिनोट करता है एक यूनिट का वेक्टर जेड एक्सिस में, ठीक है। तो ये सब चीजें बेसिक बेसिक है, कुछ लिखना है क्या इसमें से आपको, ये सब आता है ना आपको? हां सर आता है। ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन। नेक्स्ट,
पोजिशन वेक्टर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इज द वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट विद द ओरिजिन. किसी भी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर कैसे मिलता है आपको? पोजिशन वेक्टर मिलता है जब इसको ओरिजिन से हम ज्वाइन करते हैं. तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा. अब मैं बोल सकता हूँ OA एक वेक्टर है, ठीक है? तो OA जो एक वेक्टर है जिसका अगर हम कुछ पोजीशन दिया हो, जैसे 1, 2, 3 ये पोजीशन वेक्टर दिया है, तो ये बताना चाह रहा है कि एक यूनिट एक्स एक्सिस में है पोजीशन, 2 यूनिट वाई एक्सिस में है और 3 यूनिट जेड एक्सिस में है, ठीक है? अच्छा, तो ए वेक्टर डिनोट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. नेक्स्ट, अभी जो ये ए बी है ये भी एक वेक्टर है. तो ए बी वेक्टर आपको कैसे मिलेगा? जैसे ये ए बी जो वेक्टर है आपके पास, ये ए बी वेक्टर आपको कैसे मिलेगा? तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर. व्हाट इज ए बी वेक्टर? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. सो दैट विल बी बी माइनस ए. ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन. ये सब बेसिक बेसिक चीज है. फर्दर लेट्स मूव ऑन. अब मैथमेटिक्स में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है. सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे, दो तरीके के वेक्टर होते हैं. एक होता है फ्री वेक्टर और दूसरा होता है फिक्स्ड वेक्टर, जिसको बोला जाता है लोकलाइज्ड वेक्टर. अब फ्री वेक्टर का मतलब क्या होता है? अ फ्री वेक्टर, अ वेक्टर इज कॉल्ड अ फ्री वेक्टर इफ इट कैन बी ट्रांसलेटेड इन द स्पेस व्हाइल प्रोटेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. द फिजिकल इफेक्ट कॉज्ड बाय द फ्री वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड विद द लोकेशन ऑफ द वेक्टर. अब हम मैथमेटिक्स में जितना भी पढ़ने वाले हैं वेक्टर, वो हम सारा का सारा फ्री वेक्टर पढ़ने वाले हैं, जिसको हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरी जगह से उठा के तीसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसका सेम रखे. जबकि हम जो लोकलाइज्ड वेक्टर या फिक्स वेक्टर की बात करते हैं, तो ये सब चीजें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं. तो फिजिक्स में जो वेक्टर हम पढ़ते हैं वो फिक्स वेक्टर रहता है, क्योंकि उसकी जगह हम बदल नहीं सकते. क्योंकि अगर फोर्स की जगह बदल देंगे आप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी चेंजेस. इसीलिए फिक्स वेक्टर हम फिजिक्स में पढ़ते हैं. मैथमेटिक्स में वी स्टडी अबाउट फ्री वेक्टर, ठीक है? अब फिक्स वेक्टर क्या होता है? If the point of application is fixed, it is called as the fixed vector. The effect caused by the fixed vector will change with change in its position on the point of application. Thus, the position of vector is fixed. Hence, A vector is a fixed vector or a localized vector. ठीक है? तो fixed vector और free vector में ये difference. नहीं, basic लिख लो. Free vector क्या होता है? Vector which is translated in space while protecting its magnitude and direction. ठीक है? जबकि फिक्स फैक्टर होता है जिसको आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, उसकी जगह फिक्स है. जैसे एक बॉडी के ऊपर अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा है, वो अब यहाँ पे लगने लगेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? ठीक है, 10 सेकेंड रुकता हूं मैं. जो जो लिखना है अभी तक आप लिख लो. अनलाइक वेक्टर्स, या लिख लो. जब वेक्टर एक यहाँ पे होगा और दूसरा भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये अगर ये वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं और स्पेसिफिकली इनको लाइक वेक्टर्स कहा जाता है. इसी तरीके से अगर दो वेक्टर में ड्रॉ करता हूँ, इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है, स्टिल दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना? एंटी पैरेलल, तो इनको अनलाइक वेक्टर्स कहा जाता है. नोट कर लो. सर वो कोलिनियर वेक्टर क्या लिखा उधर? कौन सा सर? कोइनिशियल जो ऊपर कोलिनियर वेक्टर्स लिखा है ना, वो क्या मतलब? इन वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाइन में ना, मान लो ये लाइन वेक्टर है, ये आपका ए बी वेक्टर हो गया, ठीक है? फिर ये सी हो गया, तो ए बी सी तीनों एक लाइन में लाई कर रहे, तो दीज आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है? नेक्स्ट, कोइनिशियल वेक्टर्स. कोइनिशियल वेक्टर्स क्या होता है? जो शुरुआत का पॉइंट है उनका वो सेम होना चाहिए, सेम इनिशियल पॉइंट.
यहाँ पे एक वेक्टर यहाँ से शुरू हुआ, दूसरा वेक्टर भी यहीं से शुरू हुआ, सो दे आर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, सो दे आर कॉल्ड एज को इनिशियल वेक्टर्स। अब को प्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं? वेक्टर्स इन द सेम प्लेन। जैसे ये 2D स्क्रीन आपके सामने है, तो जितने भी वेक्टर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा सारे 2D होंगे और सारे के सारे वेक्टर्स को प्लेनर कहलाएंगे। कोई भी ड्रॉ कर लूं मैं आपके सामने, तो दीज आर ऑल को प्लेनर वेक्टर्स। लेकिन यही मेरी पेन को अगर मैं इसके ऊपर वर्टिकली खड़ा कर दूं, तो दैट विल बिकम अ नॉन कोप्लेनर वेक्टर, जो इस प्लेन के बाहर लाई कर रहा है। इज इट क्लियर? सो दैट इज द डिफरेंस, कोप्लेनर वेक्टर्स, वेक्टर्स इन द सेम प्लेन, नॉन कोप्लेनर जो इस प्लेन के बाहर आ जाए, जो इस प्लेन के बाहर वेक्टर जितने भी बन सकेंगे वो सारे के सारे नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएंगे। अब दो वेक्टर की आपने बात कर ली, तो बेटा दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर ही होते हैं। कोई भी दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, मतलब कोई भी दो वेक्टर से आप हमेशा एक प्लेन पास कर सकते हैं। इज इट क्लियर? किन्हीं भी दो वेक्टर से हमेशा एक प्लेन पास किया जा सकता है। सर ये वाला नहीं आ रहा, लास्ट वाला, लास्ट अभी बताना बाकी है सर, जो अभी आपने बोला लास्ट, वो लास्ट ये याद रखना है तुमको, याद रख लो, तुम ज्यादा तुम दिमाग मत लगाओ, याद रख लो। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। अरे दो वेक्टर कोप्लेनर मतलब तीन पॉइंट है, उनसे डेफिनेटली एक प्लेन पास किया जा सकता है। इज इट क्लियर? तीन पॉइंट से हमेशा एक प्लेन पास किया जा सकता है। तीन प्लेन को ज्वाइन करेंगे तो दो वेक्टर बन जाएंगे ना हमेशा। तीन पॉइंट से दो वेक्टर बनेंगे, ठीक है ना? तो डेफिनेटली हमेशा दो। अब आप ये तीसरा पॉइंट कहाँ लोगे बेटा? कहीं पे भी ले लो ना, आप इस बुक के बाहर भी लेके जाओ, तो वहां से प्लेन पास कर जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। फॉर अंडरस्टैंडिंग यू कैन जस्ट टेक अ वेक्टर। आपने ये प्लेन ले लिया, एक लाइन ले लिया आपने, अब आप तीसरा पॉइंट कहीं पे भी ले लो, उस हिसाब से आप इस प्लेन को टिल्ट कर देना। ये प्लेन जो है ना, ये प्लेन ये पूरा 360 डिग्री घूम सकता है। अब डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे आपने तीसरा पॉइंट लिया, ये प्लेन वहां पे आ गया। मान लो आपने तीसरा पॉइंट यहाँ ले लिया तो यहाँ प्लेन आ गया, आपने तीसरा पॉइंट यहाँ ले लिया तो ये प्लेन इस तरीके से शिफ्ट हो गया, खुद को उसने शिफ्ट कर लिया। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, लास्ट पॉइंट, को टर्मिनस वेक्टर। वेक्टर्स हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट, जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम हो, सेम पॉइंट पे जाके टर्मिनेट कर दें, दोस आर कॉल्ड एज को टर्मिनल वेक्टर्स। नेक्स्ट ले लेते हैं सर, सर एक मिनट ये ऐसे रखो। हाँ सर। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं। Now, ABCD, एक क्वेश्चन है हमारे पास। ABCD EF is a regular hexagon. Yes, Aliyah sir. तो मतलब ऐसा हो सकता है कोई एक स्क्रीनशॉट ले ले और ग्रुप में भेज दे। अरे रिकॉर्डेड सेशन है बेटा, पूरा YouTube पे अपलोड करूंगा, तुम खुद स्क्रीनशॉट ले सकते हो जितने चाहो, ठीक है? पूरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, आप आराम से बैठ के नोट्स बना सकते हो, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे चाहिए कर सकते हो, ठीक है? आप देखो, आ जाओ। Let's move to this now. अब question में क्या दिया है? एक regular hexagon आपको दिया है, A B C D E F. Which vectors आ रहा है? आप उसको इसमें बताना है कौन से vector collinear vectors हैं? Which vectors are collinear vectors? Which are equal? Which are co-initial? Collinear but not equal and co-terminus. B. कौन से है? देखो, A vector है जो, हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? बताओ। Collinear B Z X. स्क्रीन ब्लैक हो गई, ब्लैक हो गई है क्या? नहीं 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 सर। देखो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, डी वेक्टर कोलिनियर है। हाँ सर। बी वेक्टर, बी वेक्टर, देन एक्स वेक्टर, जेड वेक्टर, बी एक्स जेड कोलिनियर है। कोलिनियर है। हाँ सर। नेक्स्ट वाई और सी। वाई और सी, y और c कोलिनियर है। यस यस सर। नेक्स्ट, अब इक्वल वेक्टर्स की बात करते हैं। इक्वल वेक्टर्स सर, a और d, a और d सर, a d b सारे ही होंगे ना सर, रेगुलर हेक्सागन है तो। बिल्कुल, a d सर b x होगी इक्वल y और c और y। बेटा इक्वल वेक्टर की कंडीशन क्या है? दे शुड हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट इफ यू लुक एट ए एंड बी दे डोंट हैव सेम डायरेक्शन। यस सर। इज इट क्लियर?
नेक्स्ट कोइनिशियल कोइनिशियल सर ए वाई ए वाई ए जेड ए वाई जेड फिर एक्स डी सी एक्स डी और डी सी बस और कोई भी नहीं होगा देखो और कोई भी बन रहा क्या सर ए ही ऐसा पॉइंट है ए ही पॉइंट है ये वाला जहां से एक दो और तीन वेक्टर निकल रहे हैं हां सर ये भी नोट नहीं करेंगे तो चलेगा ना चलेगा सब चलेगा नेक्स्ट इक्वल वेक्टर्स बता दिया कोइनिशियल बता दिया कोलिनियर बट नॉट इक्वल कोलिनियर हो लेकिन इक्वल ना हो मतलब अपोजिट जेड और बी एक्स और जेड एक्स जेड बिल्कुल एक्स एंड जेड बी एंड जेड ओके नेक्स्ट कोटर्मिनस समझ में नहीं आया बेटा कोलिनियर तो आपने बताया बट इक्वल नहीं होना चाहिए तो जेड और बी इक्वल थोड़ी ना है सर तो डायरेक्शन वाइज तो इक्वल नहीं होता सर डी और सी कोटर्मिनस डी और सी और जेड अरे कोलिनियर होना चाहिए बेटा कोलिनियर बट नॉट इक्वल कोलिनियर बट नॉट इक्वल सर डी सी जेड कोटर्मिनस सेम एंड पॉइंट किस किसका है डी का है ना डी सी जेड डी सी जेड जेड डी सी जेड सर डी सी जेड और सर बस और कोई नहीं हो रहा क्या बस हां ठीक है ना डी सी जेड यस नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं लेट्स टेक अबाउट नेक्स्ट एग्जांपल नाउ देखो अब ये डिस्कशन पे हमने लास्ट टाइम किया था अनलाइक वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होंगे इनमें से अगर आप ऑब्जर्व करो ए बी सी तीन वेक्टर मैंने ड्रॉ कर लिए आपके लिए तो अनलाइक ए बी सी तीनों पैरेलल वेक्टर्स है लेकिन अगर हम बात करते हैं ए और सी की तो ये कौन से वेक्टर्स हो जाएंगे अनलाइक वेक्टर्स एंटी पैरेलल है नेक्स्ट बी और सी क्या हो जाएंगे बी और सी ये भी अनलाइक वेक्टर्स है नेक्स्ट ए और बी क्या हो जाएंगे लाइक वेक्टर्स हो जाएंगे सर ये अनलाइक लाइक वाला वापस बताओ डिस्कनेक्ट हो गया अनलाइक का मतलब है दे मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज लाइक का मतलब है द एंगल इज 0 डिग्रीज इन बिटवीन देम ठीक है लाइक वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 होता है अनलाइक के बीच में एंगल 180 होता है अब आप मुझसे पूछोगे सर फिर एंगल का मतलब क्या होता है एंगल क्या होता है वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैसे डिफाइन होता है यस बेटा सर अगर वैल्यू तो अगर अलग और तो चलेगा क्या हाँ वैल्यू अलग हो चलेगा चलेगा हाँ सर वैल्यू अलग होगा बिल्कुल चलेगा ठीक है सिर्फ डायरेक्शन इक्वल हो जाता या तो जीरो हो जाता यस अभी इधर आ जाओ चलो अभी तो देखो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इट इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस एंड विल लाई बिटवीन 0 टू पाई एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस एंड विल लाई बिटवीन 0 टू पाई अच्छा अब एंगल डिफाइन कैसे होता है जस्ट टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स मेक देम कोइनिशियल वेक्टर्स अगर आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल बताना है तो आपको उनको कोइनिशियल वेक्टर्स बनाना है मतलब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए तो ये हमने क्यों पॉइंट बोला जैसे ये वाला एक एग्जांपल अगर आप देखो तो इसमें कोटर्मिनल पॉइंट्स है तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा कोइनिशियल में तो ए को एक्सटेंड करेंगे बी को एक्सटेंड करेंगे तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा आपका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन एंगल तो सेम ही आएगा ना ये एंगल थीटा देगा नहीं सेम हमेशा नहीं आएगा ना देखो वही बता रहा हूँ ना आपको यहाँ पे देखो आप एक और एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के सामने बी वेक्टर और ए वेक्टर तो जहाँ पे बी का टर्मिनल पॉइंट है वहां का ए का इनिशियल पॉइंट है दैट इज नॉट अलाउड तो फिर हमने क्या कर दिया दोनों को कोइनिशियल वेक्टर्स बना दिया सो दिस बिकम्स अ कोइनिशियल वेक्टर और ये वाला एंगल होगा ये तो बेटा कॉम्प्लेक्स में भी तो बताया था आपको यार आपने कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रिवाइज किया तो यू शुड नो दिस सर वो ऊपर वाले में जैसे आपने बी को नीचे ले गए वैसे अगर ए को इस साइड पे ले जाए तो ए को लेगा ना साइड पे लेके जाना पड़ा ना हमें ए वेक्टर को भी यहां ले गए सर सिर्फ ए को ही साइड पे ले जाए और वो बी ऊपर जाए तो भी नहीं चलेगा तो भी नहीं चलेगा हां हां टर्मिनेटिंग हो जाएगा टर्मिनेटिंग और दूसरे का इनिशियल पॉइंट हो जाएगा ठीक है ना अच्छा लाइक वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 होता है और अनलाइक के बीच में एंगल पाई होता है ओके तो बेसिक वेक्टर्स के बारे में था कैसे एंगल ढूंढते हैं अब थोड़ा एलजेब्रा देख लेते हैं वेक्टर्स को लेट्स राइट नेक्स्ट पॉइंट एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स सर आई विल हां अली असगर ये सब कुछ आपको आता है बट अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं आता तो मुझे आप बताना आई विल गिव यू टाइम यू कैन सिट एंड राइट ठीक है सब कुछ लिख सकते हो आप जो जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है ठीक है ये डेफिनेशन है सारी बेसिक डेफिनेशन ना ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है ना ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है बट ये चीजें नहीं आएंगी तो आपको चैप्टर नहीं आएगा इसीलिए मुझे बताना जरूरी है ठीक है ओके सर ओके नेक्स्ट नाउ मल्टीप्लीकेशन विद द स्केलर अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या करता है उसका मैग्नीट्यूड बदलता है लेकिन डायरेक्शन बदलती नहीं है
ठीक है ना, डायरेक्शन बदलती नहीं है का मतलब क्या है कि आपका वेक्टर, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई सर डायरेक्शन तो बदल गई, यहां से चल के अभी ये तो 90 डिग्री एंगल डायरेक्शन इसकी बदल गई। गेटिंग माय पॉइंट? डायरेक्शन का चेंज नहीं होने का मतलब क्या है, आप वेक्टर जो ये फ्री वेक्टर है इसको इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में आप रखो, ठीक है, ये तो आपका खुद का कंसिडरेशन है भाई। अगर आपने वेक्टर को ये मान लिया ए बी वेक्टर तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई, अब अगर आपने इसको बी ए वेक्टर मान लिया तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई, बट ये वेक्टर थोड़ी बदल गया, वेक्टर रिमेन सेम, ए बी वेक्टर बी ए वेक्टर, इज इट क्लियर? समझ आ गया आपको? तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैग्नीट्यूड चेंज करता है, डायरेक्शन सेम रहता है, ठीक है? तब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वही मैंने तुम्हें दिखाया अभी, आप ए बी वेक्टर इसको बोलते हो और अगर बी ए वेक्टर की बात करें तो वही हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो वेक्टर की जब हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो वेक्टर सेम रहा क्या, हमने इसको चेंज कर दिया, इसका एंगल हमने बदल दिया क्या? नहीं। लेकिन फिर आप इसमें बोलोगे सर इसका लेकिन एंगल तो आपने बदल दिया, अब ये एंगल हो गया आपका, इज इट क्लियर? आप बोलोगे सर आपने इसका लेकिन एंगल तो बदल दिया, तो हमें समझना क्या है इसमें से, हमें ये समझना है कि जब हम वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करें या प्लस से मल्टीप्लाई करें, एंगल जो है वो एंगल हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन एंगल का, डायरेक्शन रिमेन सेम का मतलब ये बेटा कि उसका एंगल 30 डिग्री था तो 45 नहीं हो जाएगा, 45 था तो 60 नहीं हो जाएगा, मतलब 1 के माइनस हो सकता है, ठीक है, डायरेक्शन एकदम एंटी पैरेलल हो जाएगा, जो ये डायरेक्शन थी उसके एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद नेगेटिव, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई 30 डिग्री था तो 45 हो गया, 45 हो गया तो 60 हो गया, ओके? और अगर आपने नेगेटिव भी कर दिया तो उसको अगर आप उल्टा करके लिखोगे तो वापस से उस वेक्टर में लिख सकते हो उसको, भाई मान लो आपने ए बी वेक्टर लिखा है और आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो वापस से उसको बी ए वेक्टर लिखेंगे तो वो सेम वेक्टर आपको दे देगा, ओके? मतलब ए बी को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा तो बी ए हो गया, हाँ ठीक है, ओके सर, वेक्टर सेम रहा। नेक्स्ट, Now sum of two vectors, जब हम दो वेक्टर के सम की बात करते हैं, so if two vectors are represented by two adjacent sides of the triangle, then the sum is represented by the third side of the triangle, which is in the opposite direction. The above is known as the triangle law of vector addition. मतलब अब दो वेक्टर्स को आप ऐड कैसे करते हैं, तो दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं वो देख लो, मान लो एक वेक्टर है आपके पास ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है आपके पास यहाँ पे बी वेक्टर है, तो आपको क्या करना है, एक का इनिशियल पॉइंट और दूसरे का टर्मिनल पॉइंट मैच करना है, मिलाना है आपको, क्योंकि ये फ्री वेक्टर है, आप इसको उठा सकते हो, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख सकते हो, तो जब आपने इसके वेक्टर को यहां उठा के रख दिया तो अब ये वेक्टर यहां पे आ गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया। अब एडिशन ऑफ द वेक्टर्स, व्हाट एडिशन ऑफ वेक्टर्स का रूल सेज कि भाई जो पहला वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट और दूसरे का टर्मिनल पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, और ये थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल बताएगा a plus b वेक्टर, दोनों वेक्टर का एडिशन ये थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल के बराबर होगा, इज इट क्लियर? a plus b की डायरेक्शन वाला क्वेश्चन करना है, हां a plus b का डायरेक्शन जो होगा दैट विल बी अपोजिट टू दिस, उसके पीछे भी लॉजिक है, देखो मैं बताऊं आपको कैसे ये आया, इसके बहुत सिंपल लॉजिक है, मान लो एक वेक्टर a था, ये वेक्टर b था और ये तीसरा आपने जॉइन कर लिया और इसको ऐसे कर दिया, ठीक है ना, आपने क्या किया, आप यहां पे खड़े थे, आप चल के यहाँ पे गए, फिर आप चल के यहाँ पे गए और आप वापस यहाँ पे आ गए, अब ये वेक्टर सी है आपको पता नहीं है, तो हमने अभी पढ़ा ना नल वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज नल वेक्टर सर, ये ए वेक्टर आपका, ये बी वेक्टर आपका और ये एक सी वेक्टर है और आप अपनी पोजीशन पे वापस आ गए, तो मैं बोल सकता हूँ क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर रिजल्टेंट हुआ क्या नल वेक्टर, बिकॉज़ आई एम एट माय पोजीशन बैक, कोइनिशियल टर्मिनल पॉइंट सेम है, यस सर, तो यहाँ से बोल सकते हैं माइनस ए माइनस बी, हाँ यस सर,
मतलब अगर ये ट्रायंगल बराबर से आता नहीं है तो पैरेललोग्राम लॉ से काम चल सकता है यहाँ पे, कर सकते हैं। इसके बाद मैं वही बताने वाला हूँ, ठीक है ना, ये चीज क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट लॉ, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर आपके पास है, बी वेक्टर, रिजल्टेंट विल बी ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अनदर वे ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या बोलता है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम हुज इनिशियल पॉइंट इज सेम एज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द गिवन वेक्टर। मतलब अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूं जिसका एक एडजेसेंट साइड ए वेक्टर है, दूसरा एडजेसेंट साइड बी वेक्टर है, ठीक है ना, तो इसका जो डायगोनल बनेगा जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा गिवन वेक्टर के, तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा वो आपका एडिशन ऑफ द वेक्टर्स बनेगा, दैट इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। सिमिलरली वो बोलता है कि अगर आपको डिफरेंस निकालना है, अब ध्यान से देखना आप, ठीक है ना, दूसरा लॉ हम देखते हैं, तो फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, मेक देयर इनिशियल पॉइंट्स एज सेम, आप दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम बना दो, एंड मेक द वेक्टर्स फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पॉजिटिव, एंड मेक द वेक्टर्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल विद अ नेगेटिव साइन ऑफ इनिशियल। मतलब बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो आपका ये वाला जो वेक्टर है ना बी, इसको इधर बना देंगे आप ताकि दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम हो जाए, ताकि दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम हो जाए। अब आप जा कहां से कहां तक रहे हो, अब आप यहां से यहां तक अगर जा रहे हो, सो दिस विल बी योर डायरेक्शन, तो जो दोनों के फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा वो दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस कहलाएगा। जो दोनों के फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा वो दोनों का डिफरेंस कहलाएगा, और उस वेक्टर को हम बोल सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्यों ए माइनस बी किया, क्योंकि हम ए के पास जा रहे हैं बी से, वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी। अब इसको बहुत ही आसानी से आप वेक्टर एडिशन से भी कर सकते हो, पता है कैसे, देखो आपने क्या कर दिया, इसको बी वेक्टर को नीचे बना दिया, तो मैं बोल सकता हूँ ये माइनस बी वेक्टर बन जाएगा। बहुत ध्यान से समझना ना, ये वेक्टर्स है, बहुत ही आसानी से आपको मजा आएगा करने में। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूँ ये बी वेक्टर है नेगेटिव के साथ। तो अगर अभी आपने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा, एक ए था फिर बी था, जब इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स होगा ना भाई। इनिशियल को दूसरे के टर्मिनल के साथ जब ज्वाइन करते हो तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स होता है, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब आपने क्या कर दिया, इसी वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख दिया, ए माइनस बी बन गया। इज इट क्लियर? यस, क्या समझ आ रहा है, ठीक है ना, ओके यस। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरा, पैरेललोग्राम से ही आप डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स कैसे निकाल सकते हो, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, तो जो इसके फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा वो दूसरा डायगोनल हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो पैरेललोग्राम में हमें दो डायगोनल मिलते हैं, एक वेक्टर का सम होता है लेंथ में और एक वेक्टर का डिफरेंस होता है लेंथ में, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स लिखा हुआ है, ठीक है, और ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर लिया, ओके okay? अच्छा ये देखो, एक चीज आप इधर से भी समझ सकते हो, अगर मुझे तीन वेक्टर दिया है, जैसे ये वेक्टर एक दिया है ए वेक्टर, और ये एक वेक्टर दिया है बी वेक्टर, और ये एक वेक्टर दिया है सी वेक्टर, ठीक है ना। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। देखो और अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आप निकालो, तो आप क्या करते हो, व्हाट हैपेंस एक्चुअली, ये देखो इस वेक्टर को हम, इन तीनों को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। अब देखो आपको क्या करना है, ए वेक्टर, फिर उसने क्या बोला बी वेक्टर, तो बी को उठाओ और इसके पीछे लगा दो आप, फिर आप क्या करो सी को उठाओ और उसके पीछे लगा दो इसको आप, ये आपका सी वेक्टर हो गया। अब वो जो ए प्लस बी प्लस सी बोल रहा है करने के लिए, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, यहां के स्टार्टिंग से जहां पे टर्मिनेट करने को बोल रहा है वहां पे, क्लियर? तो ये वेक्टर क्या बन गया आपका ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। क्या ये चीज क्लियर, इज इट क्लियर? नो सर। बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या बोलता है, जहां पे पहला वेक्टर खत्म होता है वहां से दूसरा शुरू करना है, फिर जहां दूसरा खत्म होता है वहां से तीसरा शुरू करना है, और रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा इन तीनों का सम
sum of all the vectors, that will be the starting of the first and ending of the last. हाँ सर आगे. Okay. Next, let's take this. अब आपकी स्क्रीन के सामने है. ठीक है. तो जैसे अगर आपको एग्जांपल के लिए मैंने ये दिखा दिया तो ये देखो ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस c वेक्टर और ये फिर d वेक्टर. तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहीं से शुरू किया था और यहीं पे वापस आ गया तो a प्लस बी माइनस सी प्लस डी जीरो के बराबर होगा. तो c वेक्टर को डेफिनेटली हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस डी के बराबर. इज इट क्लियर. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ले लेते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी. ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या बोलती है? सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. तो थर्ड साइड क्या है? a प्लस बी वेक्टर है. तो सम ऑफ द टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी वेक्टर. इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब वो कोलिनियर हो जाएंगे. ऐसे देखिए सर ये a वेक्टर है आपका. यस बेटा. सर वो लास्ट साइड से मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. अच्छा पैरेललोग्राम वाले से. हाँ पैरेललोग्राम वाले से डिस्कनेक्ट हो गया. डिफरेंस ऑफ द वेक्टर का होता है अलियास सर. सर डिफरेंस द वेक्टर में मैं था. पैरेललोग्राम से डिफरेंस ऑफ वेक्टर निकालना बताया था ना वो उसमें मैं था. उसका बाद ये वाली साइड से डिस्कनेक्ट हो गया था. कोई बात नहीं. तो तुमने कुछ मिस नहीं किया. अब तुम ये पार्ट देखो ट्राइंगल इनइक्वालिटी. सम ऑफ द टू वेक्टर्स. ट्राइंगल इनइक्वालिटी ये बोलती है कि सम ऑफ द टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. मतलब दो साइड जो बन रहा है ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का. तो उसमें हम बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू प्लस बी का वैल्यू ए प्लस बी से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा. अब बराबर कब होगा? इक्वालिटी होल्ड्स जब कोलिनियर हो जाए. तो ये ए वेक्टर आपका हो गया, ये बी वेक्टर हो गया आपका. ओके ए वेक्टर और बी वेक्टर और ये जो रिजल्टेंट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी वेक्टर. ठीक है ना. तो मैग्नीट्यूड बराबर कब होंगे? जब तीनों वेक्टर्स कोलिनियर हो जाएंगे उस केसेस में मैग्नीट्यूड आपका बराबर हो जाएगा. ओके लेट्स फर्दर मूव ऑन. आगे चलते हैं. नेक्स्ट एक और ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है डिफरेंस ऑफ टू इज ऑलवेज लेस देन थर्ड. तो लिखो डिफरेंस ऑफ टू इज लेस देन थर्ड. ठीक है ना. तो ये दो इनइक्वालिटीज आप लिख ले. ये आपने सेम कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा पढ़ा हुआ है. डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड. ओके हां सर. अब फिर इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब दोनों अनलाइक वेक्टर्स होंगे. अनलाइक मतलब ये आपका ए वेक्टर हो गया और दूसरा ये हो गया, ये आपका माइनस बी वेक्टर हो गया. ठीक है. तो अगर आपने ए प्लस बी किया मतलब क्या हो गया? ये दोनों का मैग्नीट्यूड, ये ए प्लस बी हो गया ना. तो वो किसके बराबर है? इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है. एक सेकंड एक सेकंड देखो, ये आपका ए वेक्टर हो गया और ये आपका बी वेक्टर हो गया. ठीक है. दो वेक्टर मैं ऐसे लिखता हूँ, अलग अलग लिखा, इनको फिर कंबाइन कर लेंगे. ये देखो ये एक आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है. ठीक है. तो ए प्लस बी, ये ए वेक्टर इस डायरेक्शन में और ये बी इस डायरेक्शन में मैंने ले लिया. तो अगर ये मैं बात करता हूँ फाइव यूनिट्स हैं जिसकी डायरेक्शन मान लेते हैं आई कैप है, इसकी माइनस थ्री आई कैप है, डायरेक्शन इज सेम. तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? टू आई कैप बनेगा. और इंडिविजुअली जब इनका डिफरेंस करेंगे तो फाइव मैग्नीट्यूड माइनस थ्री मैग्नीट्यूड, तो कितना देगा? टू मैग्नीट्यूड. इज इट क्लियर? यस सर. ओके सो डिफरेंस विल बी इक्वल टू सम ऑफ द वेक्टर्स, मतलब थर्ड साइड के बराबर जब दोनों डायरेक्शन में उल्टा होंगे, अपोजिट एक दूसरे के. ओके अब देखो जैसे आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इफ ए इज 5 बी 6 एंड ए प्लस बी इज 11. कितना होगा एंगल? 0 0 0 डिग्री. ठीक है ना. 0 बिकॉज़ दे विल बी पैरेलल वेक्टर्स बोल लो या कोलिनियर वेक्टर बोल लो आप. पैरेलल. ठीक है ना. 0 डिग्रीज विल बी द एंगल, सेम लाइक वेक्टर्स. नेक्स्ट ये वाला क्या होगा बताओ? पहले लिखना था, लिख लो, वाले से लिख लो. ए पांच बी छ ए प्लस बी ग्यारह. सर इसमें 180 होगा क्योंकि ए पांच यूनिट है, बी छ यूनिट है. तो अगर ए प्लस बी करते हम और वो वन आता, वो कब आता? पैरेलल. ए प्लस बी वन आता, एंटी पैरेलल, एंटी मतलब पाई. और ए माइनस बी ग्यारह कब आएगा? अगेन पाई एंगल होगा तभी आएगा. हाँ सर. ठीक है. ओके चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ मैं. लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन सर. एक मिनट. सम ऑफ, यस यस बेटा लिख लो.
जल्दी लिखो सर, हो गया। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंसेस। सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा कुछ बनेगा। हाँ क्या बन रहा है? सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, सम दो यूनिट वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर के बराबर ही है, तो उनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस क्या होगा? 5/6। मैग्नीट्यूड का डिफरेंस 5/6 आ रहा है। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स देखो सर, इसमें वो लगा सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 1 लगा सकते, लेकिन मैंने सिखाया नहीं है तो मैं नहीं लगा सकता। आप लगा सकते, मैं नहीं लगा सकता, मैंने नहीं सिखाया। मैं वही लगा सकता हूं जो मैं सिखा सकता हूं। a b c और d, ठीक है। अब उसने क्या बोल दिया आपको? उसने आपको बोल दिया कि सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, मतलब एक वेक्टर ये था, इसका मैग्नीट्यूड एक है, ये है, इसका मैग्नीट्यूड एक है, तो जो सम आएगा वो भी एक आएगा। यस और नो, डू यू एग्री विद मी? यस सर, है ना। अब उसने बोला सम 1 के बराबर है, अब डिफरेंस आप बताओ फिर कितने के बराबर होगा? सर मैं यही बोल रहा था कि कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा बोल, डिफरेंस भी 1 ही होगा ना। अब एक मेरी चीज बताओ, बहुत ध्यान से समझना आप, try to understand this very properly. ये कभी वन तो हो ही नहीं सकता, ये तो obtuse angle triangle जैसा बन रहा है, समझ रहे हो आप? तो थोड़ा सा figure को मैं इस तरीके से बनाऊं जो कि मैं आपको relate करके बता सकूं। देखो तो figure शायद ऐसा होना चाहिए ना, कुछ ऐसा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? एक यूनिट का वेक्टर, एक यूनिट का वेक्टर, तो जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो भी एक यूनिट आ जाएगा, है ना। तो ये एंगल कितना होगा? अरे आपको पता है कैसे चला ऐसा बनाना है? अरे बेटा पहली चीज तो मुझे पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री है, तो 60 बनना तो चाहिए ना, ये तो तुमने 120 बना दिया, ऐसा फील हो रहा था। सर बड़ा आपको पता है कैसे जाके इक्विलेटरल ट्रायंगल है? एक 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 तो भी तीनों साइड एक एक है ना। अच्छा हां, अबे जल्दी देखो, ठीक है ना। तो 60 हो गया, ठीक है ना। अब बेटा बताओ ये 1 ये 1 ये 1, तो ये तो रोम्बस बन गया। यस 60, तो ये भी 60, रोम्बस का एंगल बाइसेक्ट करता है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। यस और नो, डू यू अग्री? और 90 डिग्री पे मिलता है रोम्बस, है ना। तो ये 1 हो गया। सर ये समझ नहीं आपने क्या वो 60 डिग्री वाला क्या करा, वापस बताओ फिर से जल्दी जल्दी देखो। चलो हाँ। आप लोग का नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी देख लो। ये 1 है, ये अरे भाई ये 1 है, फिर ये वाला भी 1 है, ये वाला भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। तो ये मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, पूरा का पूरा मेरे लिए रोम्बस बन गया। अब रोम्बस तो बन गया, एक 60 था, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। डू यू अग्री? Yes. अब रोम्बस का जो दूसरा डायगनल होगा, मुझे एक चीज बताना, रोम्बस का जो दूसरा डायगनल होगा, डिफरेंस ऑफ द वेक्टर जो बनेगा, दिस विल बी डिफरेंस, है ना। ये डिफरेंस होगा a माइनस b का डिफरेंस, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो डिफरेंस कितने के बराबर होगा? तो ये आप ट्राइंगल लगा लो ना, राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक यूनिट है और एक आधा है, ऐसा बन रहा है, एक आधा है, ये एक यूनिट है, हाइपोटेनस। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो, 30 डिग्री बन गया, तो ये 60 है, ये 30 है। पाइथागोरस से भी कर सकते हो, ये एक है, तो ये कितना होगा? सॉरी ये आधा है, तो ये कितना होगा? सर क्या आधा है? 1 cos 60। ये आधा है भाई, बेटा पूरा डायगनल एक के बराबर था ना। अरे डायगनल बाइसेक करता है ना यार, तो वो पूरा एक यूनिट है, तो आधा होगा, तो 2 होगा ना प्लस वाला। अरे खिलाड़ी हो गए तुम, 1 यूनिट का डायगनल होता है, दिया हुआ है आपको,
sum of the vectors is a unit vector. तो ये कितना आ जाएगा? Root 3 by 2 आ जाएगा ना? तो length of diagonal कितना आ जाएगा? Sir, root of 3 आ जाएगा. Sir, 1 cos 60 होगा ना? कैसे cos 60 होगा अलियास यार? Cos 60 कैसे होगा? Sin 60 होगा ना? ये वाला 30 है तुम्हारा. इस फिगर को अगर तुम देख रहे हो तो ये 60 है. यहाँ से अगर तुम मैपिंग करो पूरी की पूरी, ये 60 है, 30 है. ओके सर. तो ये रूट थ्री लेंथ हो जाएगी पूरी. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल? रूट थ्री इज द लेंथ सर. एंड व्हाट इज द एंगल? लास्ट पार्ट बेटा, लास्ट पार्ट. व्हाट इज द एंगल? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 120 डिग्री इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. भाई ये वाला एंगल 120 है ना, ये वाला 120 है. इसको एक्सटेंड करेंगे तो भी 120 बनेगा. एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज 120 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इज रूट ऑफ 3. बस यहाँ पे कंक्लूड करते हैं आज की क्लास. नेक्स्ट टाइम हम लोग वेक्टर्स को फिर कंटिन्यू. पर सर ए और बी मतलब ऐसा पोजीशन आएगा, वो कैसे पता चला? कौन सा पोजीशन आएगा मतलब? ए और बी आपने जो ड्रॉ किया.